सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4, नहीं 4:30 हो रहे हैं अभी। और मैं एक्चुअली मैं रात भर सो ही नहीं पाई हूँ, मतलब थोड़ा बहुत सोई हूँ जगी हूँ ऐसा कुछ है। सो अभी यहाँ पे एक सुमेश आ चुका है जो जाने का नाम ले रहा। जब मेरे को ट्रिप पे जाना था तभी ये सुमेश प्रकट हुए हैं, उससे पहले मेरे थोबड़े पे एक भी रमेश सुमेश नहीं थे। तो यस, दिस इज़ द अपडेट। और अभी अभी एक्चुअली मैं जा रही हूँ ऋषिकेश और हरिद्वार। अब कंफर्म नहीं कि हम ऋषिकेश जा रहे थे नहीं, बट ठीक है, मेरे फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा थोड़ा क्यों ना मैं भी ब्रेक ले लूँ अपने यूट्यूब एंड एवरीथिंग सब चीज़ों से। सो अभी हम रेडी होंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को रेडी होकर मिलती हूँ। यस, अभी हेयर वगैरह भी करने हैं। सो या दिस इज़ काइंड ऑफ अ रेंडम व्लॉग, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था, ये प्लान था कि हाँ जाएंगे जाएंगे बट इतना कंफर्म नहीं था, बट कल ही कंफर्म हुआ। एंड लाइक आप टू गो एंड मैंने पैक कर लिया। मैं आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ पैकिंग क्या की है, बट मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो गाइज, आई एम रेडी। मैंने बस कंसीलर लगाया और ब्लश सिंपल। मेरे लाइनर बहुत पतला लग रहा है कि ठीक है, फुल मैच हो रहा है। सो बस मैंने इतना मिनिमल सा मेकअप कर लिया और वो आज पहन लिया। और ये है मेरा OOTD, मैं आपको अभी दिखा दूँगी थोड़ा अच्छे से करके वो OOTD। और यस, दिस इज़ माई OOTD। अभी मैं दिखाती हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ, कैब हो गई है, मैं अभी निकलने वाली हूँ। कैब वाले भैया आ रहे हैं, 10 मिनट दिखा रहे हैं। और उसके अलावा देखते हैं क्या क्या करते हैं। और आई थिंक हम बस से जाएंगे तो बस का ट्रैवल क्या एक्सपेंस वगैरह वो भी आप लोगों को बताऊंगी। मतलब बजट वाला सीन है, मैं ज़्यादा एक्सपेंस खर्चा वर्चा नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी कि कम एक्सपेंस में कितना हम लोगों ने मतलब घुमाए, क्या क्या चीज़ें की है, खाना पीना सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो दैट्स इट। टेकिंग दिस बैग एंड दिस टू बैग्स एंड दिस शूज आई वेयर। यही एक शूज लगा रही हूँ मैं सोच रही थी मैं रेड टेप वाले पहन लूँ, बट आई डोंट थिंक सो। मैं अभी सोचूंगी इन दोनों में से या फिर दूसरे वाले शूज़। अभी मैं आप लोगों को OOTD प्रॉपर दिखा दूँगी। तो ये बैग जल्दी ले जा रही हूँ, इसमें एक छोटा बैग ले जा रही हूँ जो कि मैं कैरी करूँगी ऑल द वे, मतलब जहाँ भी जाऊँगी। और आई शो यू माय OOTD। सो या दिस इज माय OOTD, हैप्पी वेकेशन। ये मैंने पहले भी पहना है, एक बार और गई थी जब मैं, बट मैं उसका लॉन्ग नहीं कर पाई थी, बट इस टाइम ब्लॉग कर रहे हैं। Here it is, my proper OOTD. तो गाइस पहले मैं बता रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो यस, तभी मैं कैब ले लूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे से तो नहीं जाएंगे लोग। ठीक है, तो ये वाले मैं शूज़ पहन रही हूँ उसके साथ के साथ, क्योंकि वो वाइट वाले बड़े कम कम्फर्टेबल हैं। यस, दिस इज सो कम्फर्टेबल। एंड इसके साथ मैंने ये वाली वॉच पहनी हुई है। या चलो मिलते हैं हम कैब में। आई थिंक मैं थोड़े टाइम लैप्स बनाऊंगी। फ्रेंड्स का फ्लैट और इन मैडम के अभी तक कपड़े नहीं सूखे, क्या करें, गीले ही पहन के था ये। वहाँ पे मेट्रो है, देखो मेट्रो जैसे मेरे को पास में, मैं वहाँ से वॉक करके आई, वहाँ से वॉक करके आई। और इज द मेट्रो, बहुत मस्त। मैडम के कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैडम मैडम जल्दी करो। अभी मैंने सैंडविच खाया और मेरे फ्रेंड्स ने बनाया, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं जगा हुआ था, सब सो रखे थे। सो क्या लाइक द बैकग्राउंड। तो अभी मैं पहुंच गई यहाँ पे और काफ़ी पहले ही पहुंच गई थी, कुश्ती कर रहे थे। अब मैं मिलेंगे, हाँ मिलेंगे बस में।
फोटो क्लिक करा था। वीडियो ले रही हूँ। नहीं चश्मा से रुक मैं दे अभी देख लो। सो गाइज हमने मनसा देवी के जो है दर्शन कर लिया है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग करना बना है। और ये देखो इधर पीछे मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। जय मनसा देवी। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं उठी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहीं व्यू दिखा देती हूँ मैं। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से यार। ठीक है ये होटल ओके ओके इतना ठीक है। और वो व्यू इज मतलब आप अगर यहाँ पैसे दे रहे हो ना तो आप व्यू के लिए दे रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से। बहुत सही दिखाते हैं व्यू। यहाँ का व्यू है यार बहुत ऑसम है। बहुत सारा देखो सारा यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है, गंगा मैया भी दिख रही है। लाइक बहुत सुंदर है यार। अगर आप लोगों को इसका होटल का लिंक दीजिए तो बता देना। बाकी तो बहुत सुंदर है यार, यहाँ से ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। हरिद्वार से फिर आई ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ पे मिलते हैं। यस ये तो छोटा सा रूम था तो इसलिए इतना कोई रूम टूर नहीं किया। चलो चलते हैं। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग। और अभी बहुत ज़्यादा अच्छी सनलाइट हो रही है। आई थिंक 8:30 या 9 बज रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है सामने। लोगों का भी मैं दिखाती हूँ। एंड दिस इज लाइक अर्ली मॉर्निंग और यस दिस इज हमारा पसारा। यहाँ पर सारे में कचड़ा रखा है बट मैं रूम टूर आपको जाते जाते दे दूँगी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो खुद भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने हमें बहुत अच्छे प्राइस में दे दिया है रूम, बहुत ही अच्छा है। नहीं और यहाँ का जो व्यू है ना, थोड़ा सा प्राइवेसी इन्वेड है, मतलब थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा ऊपर होता तो और अच्छा रहता ना। आपको जाते जाते एक रूम टूर दे दूँगी बहुत अच्छा सा, क्योंकि ये रूम बहुत अच्छा है। और आपको डिटेल्स वगैरह कुछ चाहिए तो बहुत अच्छा है। लाइक हमने 1200 में उन्होंने उनसे बार्गेन करके उन्होंने 2400 बोला था, बट आप 1000 बोला यार, मतलब 1200 भी ज़्यादा था। बट ठीक है अभी मैं आपको बहुत अच्छा सा रूम टूर दूंगी। और मैं एक्चुअली में कल हम लोग आ गए थे, रात को आ गए थे, और एक्चुअली में कल सबका एग्ज़ाम था तो वहीं पे थे। मैं बाहर बैठी हुई थी उसके एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर हम आए हैं हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश। कि एक्चुअली में एग्ज़ाम थोड़ा पीछे था हरिद्वार से, अभी उधर की साइड का, मतलब जिधर डेली है।
वहाँ पे इन लोगों ने एग्ज़ाम वगैरह दिया और फिर मैं साथ में आई हूँ। तो रात हो गई थी आते आते, शाम रात हो गई थी। फिर रात को खाना वाना खाया, सिंपल जो भी खाना था हमने, डोसा वगैरह खाया था। एंड देन वी आर लाइक स्लेप्ड एंड दिस इज द मॉर्निंग। कल थोड़े ज़्यादा ही थक गए थे और मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं बैठी हुई थी धूप में, बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। तो यस, अभी फिर हम लोग थोड़ा लेट करके उठे हैं और अब आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ सुबह का। यू गाइस लाइक वाओ, बस थोड़ा सा ना लाइट इशू रहता है। सो मॉर्निंग में आपको इतनी लाइट आएगी ना, मतलब क्या ही, बट ठीक है, आई लव लाइट्स। सो या आई विल शो यू द व्यू। सो गाइज, वी आर रेडी टू गो होम। नहीं, अभी हम घूमेंगे थोड़ा सा स्कूटी लेके और मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी ऋषिकेश हम थोड़ा बहुत, हम 4 बजे या 3:30 निकल लेंगे क्योंकि घूमना है। तो हम लोग स्कूटी लेंगे, अभी थोड़ा सा लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट तो नहीं, मतलब ब्रंच करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमेंगे ऑल अराउंड। अभी हमारा सब सेट हो गया, मैं नहा ली हूँ। ये वाली ड्रेस मैंने फिर से इसलिए पहनी है, अभी मैं उसको पूरा ऊंची चीज दिखाऊंगी, दूसरा वाला इसका भी दिखा दूंगी और वो वाला भी दिखा दूंगी। तो ये मैंने पहले पहना था, लिपस्टिक चेंज करूंगी उसके लिए। बट या दिस इज माय आउटफिट, काइंड ऑफ अ वन पीस, गोवा वाली वाइब आती है इससे। और सो गाइस, दिस इज द विंडो, बहुत बड़ी विंडो है और थोड़ा खोल ही लेती हूँ, अब तो धूप भी नहीं आ रही है। चाहो तो इस होटल में आ सकते हो, मैं डिटेल डाल दूंगी, कार्ड वार्ड का फोटो भी डाल दूंगी। और ये है लक्ष्मण झूला जो रात को बंद था। रात का व्यू मेरे को दिखाना चाहिए था क्योंकि बहुत सुंदर था रात का व्यू। हो सके तो दिखा देंगे जब स्कूटी लेके आएंगे, थोड़ी थोड़ी शाम हो जाएगी तब आई थिंक लाइट्स चल जाएंगी, तो तब मैं थोड़ा व्यू दिखा दूंगी। बट अभी हम चेकआउट कर लेंगे, 11 बजे। दैट इज़ द मंदिर, ये मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पे का। सो यस, वहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो रही है, वो देखो। सो या दिस इज द व्यू। ये सुबह बहुत भीड़ थी यहाँ पे, अभी हो गई फिर से बढ़िया। वो ये देखो पहाड़ है सारी तरफ, बड़ी व्यू। तो अभी थोड़ी वीडियो लेते हैं, फिर चेंज करते हैं और फोटो लेते हैं, देन फिर एक मैं अपना ओटीटी दिखा दूंगी, देन फिर चलते हैं। दिस इज द आउटफिट, अभी थोड़े से वीडियो ले लेंगे, एक या दो वीडियो ले लेंगे, रील्स ले लेंगे। एंड या ये सब पहन के गोवा वाली वाइब आती है, मैंने थोड़े दिन इसको पहना, वेरी कम्फर्टेबल। सो ये लेके थोड़ी वीडियो फोटो ले लेते हैं एंड देन चेकआउट करके हम करेंगे ब्रंच, लंच काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। दिस इज माई आउटफिट, मैंने चेंज कर लिया है और ये वाला टॉप पहन लिया, ये अमेजोन से है, ये मैंने सरोजनी से लिया था। ये टेक के शूज फ्रॉम आजियो और वॉच मिंत्रा से। My outfit. और दिस इज द व्यू ऑफ द रूम, और अभी हम चेकआउट करने वाले हैं। सो इसमें आपको एक छोटा सा मिनी टूर दे दूंगी इस रूम का, और इसकी थोड़ी डिटेल्स भी डाल दूंगी कि कैसा है ये। सो एसी वाला रूम है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा। इट्स द रूम, ये ऐसे ओपन होता है एंड वॉशरूम की लाइट्स, सिंपल सा वॉशरूम है तो कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। वॉशरूम तो यहाँ पे एक, इधर आते वापस साइड में एक छोटा सा वॉक इन, सिंपल सा क्लोजेट है, उसमें आप सामान रख सकते हो, अपना लगेज रख सकते हो। और यहाँ पे एक मिरर है, इधर इधर भी एक वो दे रखा है ड्रॉअर टाइप काइंड ऑफ, यहाँ पे भी रख सकते हो आप कुछ।
और दिस इज मी। अभी मिरर है जो थोड़ा क्लीन नहीं है, बट ठीक है। मैं आउट मेन रूम का मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगी। सो आप एंटर करते हो तो यू गाइस सी द व्यू एंड एवरीथिंग। यहाँ पे टीवी है सोनी का, उसका रिमोट है बट वाईफाई नहीं है, तो स्मार्ट टीवी है। दिस इज़ अ रूम ऑफ द, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सीटिंग दे रखा है, बहुत क्यूट सा। यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियोज़ बनाई हैं, थोड़ी फोटोज ली हैं। हेयर इज सम ग्लिम्स ऑफ द रूम, यहाँ लगेज पड़ा है। सो या एसी है, हम चल रहे हैं चेकआउट करके। तो चल भाई मिलते हैं, थोड़ा घूमने चलते हैं, स्कूटी लेते हैं। So here, the view guys, so pretty. So guys, यहाँ पे स्टीम बोट है और हेयर इज द व्यू। हम उधर बैठे हुए थे, हम यहाँ बैठे हुए थे, मतलब वहाँ पे थे, उधर बैठे हुए थे आगे जाके, और अभी बहुत लोग आ गए, पहले कोई भी नहीं था। बहुत मज़ा आ रहा था यार, सच्ची में राफ्टिंग करने का बहुत मन था, बट फिर कल नहीं किया प्लान, तो कल कर लेते तो आज कर लेते राफ्टिंग। और हमने सोचा था स्कूटी बाइक वगैरह से घूमेंगे, चलो कोई नहीं। बोटिंग कर रहे हैं, हमारा लास्ट में प्लान बना है कि अब हम करेंगे। सो गाइज अभी हम खा रहे हैं मैगी, और हियर इज द व्यू, सो नाइस। हियर इज द मैगी मैगी मैगी।